बिस्मिल्लामी असलम डियर फ्रेंड्स हमारे चैनल उर्दू नॉवेल्स हॉरर स्टोरी पर खुशामदीद चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आईकॉन को भी जरूर दबाए खिदमत है एक नई खौफनाक खून आशाम दास्तान डायन रत्ना ने पेट भर कर नाश्ता किया पानी पिया उसके बाद बोली सम्पूर्णी तुम्हारी कुतें बेमिसाल हैं अब ये मेरी कुतें नहीं तुम्हारी कुतें हैं अपने आप को इतमाद दो रतना मैंने कहा ना छोटे छोटे वाक्यात किसी हैसियत के हामिल नहीं होते मैं तुम्हारे लिए संसार का हर वो काम कर सकती हूं जो करना मेरे बस में हो मैं इंसान हूं डर तो लगता ही है अब न डरा करो याद रखा करो संपूर्णी तुम्हारे साथ है अब क्या करोगी तुम तमाशा देखो जो कुछ मैं कह रही हूँ वो ही करती जाना अब मैं तुम्हारे पीछे हूं जो मैं बोलूंगी वो तुम समझ लो कि तुमने वही दूसरों से कहना है फिर देखती रहना ठीक है रत्ना ने जवाब दिया संपूर्णी की कुवतों से वो अच्छी तरह वाकिफ थी चुनाचे अब उसके आ जाने के बाद वह पूरी तरह मुतमइन थी नाश्ते वगैरह से तो फरागत हासिल हो ही गई थी संपूर्णी की हदायत पर उसने अपने काम का आगाज किया और सलाखों वाले दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई बाहर जो सिपाही टहल रहे थे उसने उन्हें इशारा किया और वो दोनों उसके पास आ गए क्या बात है उनमें से एक ने पूछा तुम्हारा नाम बांकेलाल है ना हां है और तुम परसादी हो रत्ना ने दूसरे सिपाही की तरफ इशारा करके कहा लगता है तुम हमारे सारे खानदान को जानती हो तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ प्रसादी ने कहा प्रसादी तुम्हारा बेटा बीमार है ना तुम्हारी बीवी उसके साथ अस्पताल में है।, है अरे तुझे कैसे मालूम है ये बात और बांकेलाल तुम्हारा साला घर से भाग गया है और तुम्हारी बीवी मैके गई है उन लोगों की हालत खराब है अरे बाप रे बाप ये तो ज्ञानी है बांकेलाल ने कहा यह बता तू मेरे बेटे के बारे में कैसे जानती है पर ने पूछा मैं सिर्फ ये ही नहीं जानती कि तुम्हारा बेटा बीमार है और हस्पताल में दाखिल है बल्कि मैं ये भी जानती हूं कि उसका इलाज क्या है अस्पताल में वो ठीक नहीं हो सकेगा रत्ना ने कहा असल में उसके अंदर संपूर्णि बोल रही थी और संपूर्णि ने रत्ना को ये बात बता भी दी थी पर शादी तो पागल हो गया उसने कहा ऐसी कोई चीज है हां काले नमक का पानी बनाओ लोटे में भरो और अपने बेटे को जबरदस्ती पिलाओ जितना पिला सकते हो पिला दो वो ठीक हो जाएगा काले नमक का पानी हां मगर अगर मगर की जरूरत नहीं है और तुम सुनो बांके लाल, तुम्हारा साला तुम्हारे घर के सामने जो बाबा रहता है उसके कब्जे में है उसने उसे अपने घर के तय खाने में बंद कर रखा है अभी थोड़े दिन के बाद वो उसे वहां से निकाल कर ले जाएगा तुमने भी कभी उस बाबा के बेटे को थाने में बंद कराया था घर के बाहर गंदगी फेंकने की वजह से हाँ हाँ कराया था ऐसा बस समझ लो बाबा ने अपना बदला लिया है अभी वो उसके घर के तय खाने में है अगर फौरी तौर पर तुम कोशिश करके उसे रिहा करा लो तो ज्यादा अच्छा होगा मैं अभी जाता हूं मगर देवी जी बस बस ज्यादा बातें ना करो जो कुछ मैंने कहा है वो करो पर शादी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा तुम्हें भी छुट्टी लेकर जाना चाहिए दोनों सिपाहियों की जो कैफियत थी वो देखने के काबिल थी रत्ना दिल ही दिल में हंस रही थी जब दोनों सिपाही चले गए तो उसने संपूर्णी से कहा तुमने उनसे जो कुछ कहा है क्या वो बिल्कुल सच है अगर सच नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा रत्ना संपूर्णी बोली ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जगन्नाथ वहां आ गए उन्होंने हैरानगी से रत्ना को देखते हुए कहा रत्ना तुमने सिपाही बांके लाल को उसके साले के बारे में बताया था हाँ बताया था उसका साला सामने वाले घर के तय खाने से बरामद हो गया है तुझे उसके बारे में कैसे मालूम हुआ मुझे तो तुम्हारे बारे में भी मालूम है जगन्नाथ महाराज आज शाम को तुम सेठ भगोती प्रसाद से पच्चीस हजार रिश्वत वसूल कर रहे हो क्या ए एस आई की आंखें हैरत से फैल गईं। अगर तुमने वादे के मुताबिक ए एस आई को आठ हजार रूपये नहीं दिए तो ये तुम्हारे महकमा के एसपी साहब को इसकी रिपोर्ट करने वाला है इसने इसके लिए तैयारियां कर रखी हैं अरे झूठ बोलती है बकवास करती है बकवास करती हूं अच्छा तो फिर अपनी जेब दिखा जग जी को अरे बाप रे बाप मर गया ए एस आई घबरा कर बोला जगनाथ ने उसे बांध से पकड़ लिया और फिर उसे खूनी निगाहों से देखता हुआ बोला क्या तूने ये कार्रवाई कर रखी थी और जेब में क्या है वो वो महाराज जगन्नाथ जी मुझे दो हजार रुपये मिले हैं और तू ये कह रहा था कि मेरे पास पांच का नोट भी नहीं है आज और इसी सिलसिले में तूने मुझसे सौ रुपए वसूल किए हैं जगन्नाथ ने एएसआई से कहा वो साहिब जी असल में मगर इसे ये सारी बातें कैसे मालूम जगन्नाथ का दिमाग फिर घूम गया उसने पलट कर रत्ना को देखा और बोला मगर आपको ये बातें कैसे मालूम हुई देवी जी मुझे तो ये भी मालूम है जगन्नाथ जी कि आपको अपनी बीवी के किरदार पर शोभा है खामोश हो जाइए भगवान के लिए खामोश हो जाइए चल तू चल जगन्नाथ ने एएसआई को वहां से भगा दिया एएसआई हंसता हुआ वहां से चला गया जगन्नाथ ने रत्ना को देखते हुए कहा देवी जी आपको ये सब कुछ कैसे अरे मैं क्या नहीं कर सकती सब कुछ मालूम है मुझे मैं अगर चाहूं तो तुम्हें डीएसपी की बजाय बराह रास्त एस बनवा सकती हूँ तुम्हारे पेपर आगे गए हुए हैं और तुम्हारा ख्याल है कि तुम डीएसपी बनाए जा सकते हो लेकिन मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे तीन मुखालिफ तुम्हारी सख्त मुखालफत कर रहे हैं ये मैं ही हूँ जो उनकी मुखालफत खत्म करा के तुम्हें तरक्की दिलवा सकती हूँ बल्कि जैसा कि मैंने कहा तुम्हें फॉरन मिनिस्टर से कहकर डीएसपी की बजाय एसपी तक बनवा सकती हूँ समझते क्या हो तुम मुझे जय हो देवी जी की जय हो देवी जी अगर आप मेरे साथ ऐसा कर सकें तो मैं हाँ हाँ मैं ऐसा कर सकूंगी तुम्हारे लिए मगर तुम कितना अच्छा सलूक कर रहे हो मेरे साथ लॉकअप में बंद हूं जमीन पर उठना बैठना पड़ रहा है और इसके बाद अरे भगोती ओ भगोती इधर आ इंस्पेक्टर ने फौरन एक और सिपाही को आवाज दी और जब वो करीब आया तो जगन्नाथ बोला जा चाबी ला लॉकअप की जल्दी ला बेवकूफ कहीं के थोड़ी देर के बाद रत्ना को लॉकअप से निकाल लिया गया और इंस्पेक्टर उसे साथ लिए अपने ऑफिस में पहुंच गया बैठ जाइए देवी जी मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूं नहीं कुछ मत मंगवाओ मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मंगवा सकती हूँ बोलो क्या चाहते हो आप मंगवा सकती हैं हां ये लो रत्ना ने कहा संपूर्णी अपना काम कर रही थी चांदी का एक खूबसूरत थाल सामने आया उसमें मिठाई और शरबत रखा हुआ था इंस्पेक्टर की आंखें तो शिद्दत हैरत से फैल गईं उसके मुंह से तरह तरह की आवाजें निकलने लगी तो रत्ना ने कहा अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं जो कुछ कह रही हूं वो सच है और तुम्हें यह भी यकीन आ जाना चाहिए मैं तुम्हें क्या से क्या बनवा सकती हूँ देवी जी ये तो बिल्कुल ठीक है मगर मुझे मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं तुम्हें मेरी क्या सेवा करनी चाहिए बताओ रत्ना की आवाज में संपूर्ण बोली मैं क्या बताऊं देवी जी किसी अच्छे से होटल में मेरे लिए कमरा हासिल करो और मुझे वहां पहुंचा दो कर सकते हो ये देवी जी आप पर कत्ल का इल्जाम है बड़े बड़े अफसरान आपके लिए काम कर रहे हैं मेरी तो मौत ही आ जाएगी जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हें एस बनवा सकती हूँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या वहां से निकालने में तुम्हें कोई परेशानी होगी मैं सब ठीक कर सकती हूं और सुनो जिस तरह ये सारी चीजें तुम्हारे सामने आई हैं क्या इसी तरह ये यहाँ से गायब नहीं हो सकती जय महादेवी जो भगवान की मर्जी होगी मैं आपको आपकी पसंद के मुताबिक पहुंचाने के लिए तैयार हूं लेकिन भगवान के लिए आप मेरी मदद करें मैंने आप पर मुकम्मल भरोसा कर लिया है और इसके बाद संपूर्णी का कहना बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ इंस्पेक्टर बड़े एहतराम से उसे एक आला दर्जे के होटल में ले गया वहां एक कमरा हासिल करके उसने रत्ना को वहां ठहरा दिया और बोला देवी जी सुबह शाम आपके पास दिया करूंगा भगवान चाहेगा तो मैं इन मुश्किल हालात से भी निकल जाऊंगा ठीक है जाओ कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा ये मैं कह रही हूं रत्ना ने कहा थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर रुखसत हो गया फिर संपूर्णी नमूदार हुई वो कहके ही लगा रही थी और रत्ना उन कहकों में खोई हुई थी फिर संपूर्णी ने कहा रत्ना देखा तुमने मेरा कमाल यही कहा था ना मैंने तुमसे संपूर्णी इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बेमिसाल हो लेकिन इंस्पेक्टर बेचारा तो मारा जाएगा ये बेचारे का लफ्ज जो है ना रत्ना ये तो अब बेकार ही है अगर इंस्पेक्टर को तुमसे इस फायदे की उम्मीद ना होती तो वो तुम्हारे साथ वो सलूक करता कि देखने वाले देखते हर शख्स अपने अपने बारे में सोचता है तुम्हें वहां से निकाल कर तो लाना था ना मुझे वो तो ठीक है लेकिन अब क्या होगा कुछ नहीं होगा चलते हैं यहां से होटल छोड़ते हैं और कहीं और चलते हैं इसमें परेशानी की क्या बात है चलो ठीक है आओ अब ये सोचें कि हमें करना क्या है इंस्पेक्टर की हालत खराब हो गई होगी थोड़ी देर के बाद उससे आला अफसरान पूछेंगे कि मैं कहाँ गई मेरा मतलब है कि तुम कहाँ गई पहले उल्टी सीधी बातें करेगा और फिर आखिरकार घबरा कर उन्हें यहां होटल तक ले आएगा इससे पहले हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के बाद रत्ना और संपूर्णी बाहर निकल आईं संपूर्णि इस बार फिर इंसानी शक्ल इख्तियार किए हुए थी और रत्ना के साथ साथ चल रही थी दोनों ने सादा से लिबास पहने हुए थे इनका इंतखाब भी संपूर्णि ने ही किया था और इसकी वजह यह थी कि वो दूसरों की निगाहों में नहीं आना चाहती थी थोड़ी देर के बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए रेलगाड़ी के एक कंपार्टमेंट में दाखिल होकर वो अपनी सीट पर पहुंच गई आला दर्जे का कंपार्टमेंट था और मुख्तलिफ किस्म के मुसाफिर बैठे हुए थे सम्पूर्णि ने मुस्कुराती हुई निगाहों से पूरे माहौल का जायजा लिया फिर बोली रत्ना करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन फिलहाल यहां से निकलने का मामला है इसलिए कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए खामोशी से सफर करो तुम्हारे दिल में और कोई बात तो नहीं है मेरे दिल में और क्या बात होगी रत्ना ने कहा संपूर्णी खामोश हो गई थोड़ी देर के बाद रेल ने स्टेशन छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी रेल की रफ्तार तेज से तेज तर होती चली गई दोनों खामोशी से सफर करती रहीं उन्होंने किसी भी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी संपूर्णी इस वक्त किसी और मूड में थी बहुत देर की खामोशी के बाद उसने कहा रत्ना बिल्कुल खामोश क्यों हो गई हो वैसे तो मैं ये बात जानती हूं कि इंसान जब खामोश होता है और जाग रहा होता है तो हमेशा गुजरी हुई बातों के बारे में सोचता है तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ होगा मगर एक बात मैं दिल से कहू रत्ना सोचे बेमायनी होती हैं उनसे कुछ नहीं मिलता मैं अगर अपने बारे में सोचूं तो देखो मैं क्या थी और क्या हो गई हूं और आगे क्या हो जाऊंगी मैं कुछ नहीं जानती बस जो शक्ति मुझे हासिल है उससे मैं बहुत से काम लेती हूं लेकिन अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकती ये मेरे बस की बात नहीं है हाँ जाहिर है हर कुवत महदूद होती है वैसे हम कहाँ चलेंगे रत्ना ने कहा यकीन करो अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं किया वक्त जहां भी ले जाए लेकिन तुम फिक्र मत करो तुम्हारी जिंदगी का अगर कोई खास मकसद हो तो मुझे बताओ मेरी जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है संपूर्णी तुम खुद सोचो कोई भी तो नहीं है मेरा इस संसार में अरे वाह अब भी ऐसी बातें कर रही हो मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ संपूर्णि मैं ये सोचती हूं कि अगर तुम ना मिली होती तो जाहिर है मैं ऐसे ही भटक रही होती अपना मकसद पूरा करती फिर रही होती और कहीं ना कहीं पकड़ी जाती अब तक तो बचकर भागती रही हूं लेकिन मेरे पास ऐसी कुवतें नहीं हैं जिनसे मैं अपना बचाव कर सकूं अब मैं तुम्हारी कुवत हूं तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारी गुलाम भी हूं तुम्हारी साथी भी हूं और तुम्हारी दोस्त भी हूं हाँ तो फिर कैसे कह दी ये बात कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है अगर मन के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है तो दूसरी बात है ऐसा कोई मन का मीत जो तुम्हें अब तक ना मिला हो या मिला हो तो भटक गया हो संपूर्ण यकीन करो ऐसा कोई भी नहीं है विक्रम खन्ना मिले थे पहली बार और भगवान जानता है कि मेरे मन ने एक लम्हे के लिए भी कभी उन्हें कबूल नहीं किया था जयचंद नौजवान था और बेहतर भी था लेकिन वो भी मेरे दिल की गहराइयों को नहीं छू सका था असल में मुझे कभी इसका मौका ही नहीं मिला हमारे लिए ज्यादा दिलचस्प चीज सुरख गाढ़ा नमकीन खून है जो अगर हमें ना मिले तो समझ लो जिंदगी का हर मजा अधूरा रह जाए संपूर्णी ने कहा रत्ना हंसने लगी फिर बोली पता नहीं हम इंसान से जानवर कितने दिन में बन जाएंगे अरे जानवर तो हम हैं इंसान इंसानों का खून कहाँ पीते हैं उनका गोश्त कहाँ खाते हैं कैसी बातें कर रही हो संपूर्णि अपने तमाम तजुर्बात के बाद ये बात कह रही हो कि इंसान इंसानों का खून नहीं पीते या गोश्त नहीं खाते अरे वो तो ऐसे खाते हैं कि उस बेचारे को पता भी नहीं चलता कि उसका खून कब चूसा गया उसका गोश्त कब खाया गया वो तो एक ढांचे की शक्ल में जिंदगी भर चलता फिरता रहता है संसार के रहने वाले यही तो सब कुछ कर रहे हैं वैसे तुम क्या बहुत ज्यादा गहरी बातें नहीं सोचने लगी हो संपूर्णि ने सवाल किया रत्ना हंसने लगी फिर बोली इस संसार में रह रही हूँ इतने दिन से इसकी तमाम हरकतों को देख रही हूँ परख रही हूँ तो क्या इतना भी नहीं सोच पाऊंगी हाँ खैर ये बात तो ठीक है उम्र सबसे बड़ा तजुर्बा देती है और वही तजुर्बा सबसे ज्यादा कार आमद होता है लेकिन एक बात कहूँ रत्ना अपने आप को हमेशा आजाद रखो अपने जहन को तरोताज़ा रखो अगर जहन पर कोई बोझ रखोगी तो ये समझ लो संसार में कोई काम करना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा मैं जानती हूं रत्ना ने जवाब दिया इसके बाद खामोशी तारी हो गई वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था और बाहर के दौड़ते हुए मनाजर अब आंखों को बुरे लगने लगे थे दोनों ने आंखें बंद कर ली और इसके बाद वो सो गईं। नींद भी आई तो ऐसी के सारी रात सोती रहीं। जब जागी तो सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था ट्रेन की रफ्तार बहुत सुस्त थी कानों में सबसे पहले पीतल के बड़े बड़े घंटों की आवाज उभरी संपूर्णी ने कहा शायद कोई शहर आया है हां बाहर इमारतें भाग रही हैं। अरे देखो वो कितना बड़ा दरिया है कौन सी जगह है ये पता नहीं थोड़ी देर के बाद ट्रेन दरिया के पुल पर से गुजरी और इसके बाद रेलवे स्टेशन जाकर रुक गई ये एक मजहबी शहर था जिसकी कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। दरिया उस पूरे शहर के पास से गुजरता था और दरिया के किनारे किनारे मंदिर खड़े हुए थे संपूर्णी ने दिलचस्पी से उन मंदिरों को देखा और बोली चलो यहीं उतर जाते हैं हमें कौन सा कोई बड़ा काम करना है रत्ना को तो संपूर्णी का सहारा चाहिए था भला इस बात पर वो क्या इतराज करती चुनाचे खामोशी से नीचे उतर गई ये कोई बहुत बड़ी जगह थी जहां हिंदू मजहब के मानने वाले पूजा पाठ के लिए आते थे ट्रेन से बेशुमार यात्री नीचे उतरे थे इसके बाद संपूर्णी और रत्ना भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ गईं। दोनों इधर उधर देखती जा रही थी अच्छा खासा बड़ा शहर था संपूर्णी ने रेलवे प्लेटफॉर्म से निकलते हुए कहा क्या ख्याल है रत्ना कभी तूने अंदर से इन मंदिरों की पूजा पाठ देखी है नहीं ऐसा इत्तफाक कभी नहीं हुआ बस एक बार मंदिर तक पहुंची थी लेकिन वहां के हालात बहुत ही अजीबो रहे इनकी एक अलग दुनिया है मेरे दिल में एक बात आई है क्या हम जाहिर हैं कि पुलिस के चुंगल से निकलकर भागी हैं हमारी तलाश में यह भी मुमकिन है कि हमारी तस्वीरें अखबारों में छप जाएं। इस वक्त अगर हम किसी अच्छे होटल में क्या करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल पेश आएगी क्यों ना मंदिरों में दासी बनकर चलें क्या मतलब इन मंदिरों में दासियां होती हैं पुजारी पंडितों की मंजूर नजर उनकी यहां बड़ी खातर मदारत होती है जरा थोड़ा सा उन पुजारियों का हाल भी देखा जाए मजा आएगा वैसे भी वो बड़े मजे के लोग होते हैं मुंह में राम राम बगल में ईंट उनका मसलिक होता है तुम्हें मंदिरों के बारे में बहुत ज्यादा हैं। नहीं ऐसी बात नहीं बस सुना है एक बात बताओ हमें मंदिरों में जाने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी वो कैसे तुम्हारा ज्ञान तो फिर नहीं मैं तो ऐसे ही सवाल कर रही हूं कि क्या नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बस जरा थोड़ा सा हुलिया तब्दील करना पड़ेगा वो कैसे वो मैं तुम्हें बता दूंगी संपूर्णि ने कहा रत्ना को उसकी बात बड़ी दिलचस्प महसूस हुई थी वाकई ये सब कुछ किया जा सकता था और यह भी एक दिलचस्प तजर्बा होगा पहले की बात कुछ और थी मगर अब रत्ना दुनिया को बहुत ज्यादा समझ चुकी थी धर्मा सिंह विक्रम खन्ना की हवेली और बाकी चीजों ने उसे बहुत ज्यादा होशियार कर दिया था संपूर्णि के साथ जिंदगी का लुत्फ आ रहा था और वो सोच रही थी कि अगर संपूर्णि इसी तरह साथ देती रही तो दुनिया के बारे में बहुत सी बातें भी मालूम हो सकती हैं और वो मज़ा भी हासिल हो सकता है जो अब जिंदगी का मकसद बन गया था यानी इंसानी खून जिसकी खुद संपूर्णी भी शौकीन थी एक संसान से गोशे में आकर संपूर्णी ने उसे एक लिबास दिया ऐसा ही लिबास उसने खुद पहन लिया सादा सी सफेद धोती मामूली सा अंदाज इख्तियार करने के बाद वो वहां से आगे बढ़ गई और थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े मंदिर के अंदर दाखिल हो रही थी दरवाजे के दूसरी जानब एक बहुत बड़ा हॉल था जहां पूजा हो रही थी मोटे ताजे नंगे जिसम वाले पुजारी जिनके सर मुंडे हुए थे और उनके दरमियान में लंबी लंबी चोटियां लटक रही थीं, पूजा कर रहे थे बड़े बड़े बुत वहां रखे हुए थे इसके अलावा बेशुमार अफराद फल मिठाइयां और न जाने क्या क्या ला रहे थे और देवी देवताओं के चरणों में निछावर कर रहे थे पंडित उनकी पेशानियों पर चंदन और संदर लगा रहे थे बड़े बड़े बर्तनों से अजीबो गरीब किस्म के धुएं उठ रहे थे और एक अनोखा हंगामा यहां हो रहा था संपूर्णी ने मुस्कुराते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा देख रही हो रत्ना कभी पूजा पाठ में हिस्सा लिया है कभी नहीं लेकिन ये मिठाइयों के ढेर ये सब देवताओं के पुजारियों के लिए होंगे वैसे बड़ी अजीब बात है मसला बड़ा गंभीर है अब हम क्या करें आओ जरा यहाँ का पूरा जायजा ले लें संपूर्णि ने कहा और वो दोनों हॉल के अंदरूनी दरवाजे की जाने बढ़ गईं यहाँ एक राहदारी में छोटे छोटे कमरे थे उन कमरों में पुजारी रहते थे नंग धड़ंग छोटी सी धोती बांधे इधर से उधर आ जा रहे थे फिर दोनों लड़कियां मंदिर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गईं एक बड़े हॉल से गुजरती हुई वो दोनों ठिठक गईं एक बेहद हसीनो जमील औरतों का मजमा लगा हुआ था सब हंस बोल रही थी रत्ना ने कहा ये सब पुजारने हैं संपूर्णी ने जवाब दिया मगर ये किस काम आती हैं बड़े बड़े तमाशे होते हैं मंदिरों में ये देवी देवताओं के सामने रक्स करती हैं इसके अलावा ये मंदिरों में रहने वाली पुजारियों का दिल भी बहलाती हैं कमाल है वाकई मैंने कभी मंदिरों में इतना सब कुछ नहीं देखा एक पुजारी जी मुझे मिले थे लेकिन बेचारे मेरा शिकार हो गए रत्ना ने कहा काफी देर तक संपूर्णी रत्ना को मुख्तलिफ जगहें दिखाती रही और रत्ना एक एक चीज पर हैरत का इजहार करती रही फिर जब मंदिर में मिठाई तकसीम हुई तो उन्होंने भी मिठाई लेकर खाई संपूर्णी ने एक जगह मुंतख की और इसके बाद वहां से आगे बढ़ गई यहां तक कि मंदिर के ऐसे हिस्से में जो किसी कदर वेरान था पहुंचकर उसने कहा रत्ना चूंकि हम सारी रात रेल में सफर करते रहे हैं मजा नहीं आया क्यों ना ऐसा करें कि अब थोड़ी देर आराम कर लें रत्ना ने उसकी बात से इतफाक किया दोनों एक झुरोके में आकर लेट गईं और ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें दुनिया से बेखबर कर दिया पता नहीं संपूर्णी की क्या कैफियत थी लेकिन जब रत्ना जागी तो रात हो चुकी थी और कानों में अजीब सी आवाज आ रही थी संपूर्णी उसके करीब ही मौजूद थी रत्ना ने उसका शाना पकड़कर हिलाया और बोली संपूर्णि देखो तो सही सम्पूर्णि उठकर बैठ गई और बोली क्या बात है ये आवाजें कैसी हैं रत्ना बोली पूर्णी खामोशी से सुनने लगी फिर उसने कहा शायद पूजा हो रही है आओ जरा देखें तो सही दोनों खामोशी से उस तरफ बढ़ गईं। साजो की आवाज पूजा के हॉल से आ रही थी बड़ी दिलकश आवाज थी और हॉल का मंजर बड़ा ही पुर शहर था थालियों में दिए रोशन थे देव कन्याएं कितार बांधे खड़ी थीं और खास किस्म के लिबास में बेहद हसीन नजर आ रही थी चेहरों पर जगमगाते हुए सितारे अजीब सा समा बांध रहे थे और साजो की धुन पर उनके पांव थिरक रहे थे हॉल की फिजा बड़ी मस्त थी पंडित और पुजारी भी ढोल की ताल पर मस्त हो रहे थे उनकी आंखों में तेज सुरखी थी शायद वो कोई नशावर चीज लिए हुए थे अलबत्ता हॉल की फिजा में कोई ऐसी बदबू नहीं फैली हुई थी संपूर्णी ने एक तरफ इशारा किया और हंस पड़ी क्या हुआ रत्ना ने संपूर्णी को देखते हुए कहा जरा उधर तो देखो आने वाला एक मोटा ताजा आदमी था उसने अपने बदन पर एक धोती लपेटी हुई थी टांगे सतून की तरह थी तोंद इतनी आगे थी कि बाकायदा नीचे लटक गई थी फुटबॉल की तरह गोल और मुंडा हुआ सर मुंडी हुई मुंछे। सर के एक लंबी सी चोटी लटक रही थी आंखें अंगारों की तरह सुरख थी तमाम देवियां और देवता उसके सामने झुक गए और वो आगे बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ी और मजबूत किस्म की चौकी पर बैठ गया जिस पर कालीन बिछा हुआ था उसके बैठने के बाद साज एक बार फिर से बजना शुरू हो गए और दो हसीन लड़कियां आगे आ गईं और उन्होंने रक्स करना शुरू कर दिया साजों से उनके कदम हिलने जुलने लगे मंदिर के पुजारी झूम रहे थे जबकि बड़ा पुजारी जो कि सही मायनों में गोश्त का पहाड़ था साकित बैठा हुआ था उसकी आंखें उन लड़कियों पर जमी हुई थी फिर एक पुजारी ने उसके सामने एक बड़ा सा प्याला रख दिया जिसमे कोई सफेद चीज थी ये क्या है रत्ना ने बेख्तियार पूछा इसे भंग कहते हैं ये नशावर चीज होती है और ये तमाम लोग जिनकी आंखें सुरख हैं इस भंग से भंगी बने हुए हैं संपूर्णी ने जवाब दिया अचानक ही बड़े पुजारी ने प्याला उठाया और उसे हलक के रास्ते अपनी मटका नुमा तोड़ में उंडेल लिया इसके बाद वो प्याला रखकर फिर उन लड़कियों का रक्स देखने लगा संपूर्णी ने कहा पापी मंदिरों में बैठकर ये सब करते हैं कितने शर्म की बात है रत्ना ने कोई जवाब नहीं दिया था बहुत देर तक यह रक्स जारी रहा इसके बाद रत्ना बोली अब यहां से उठा जाए पता नहीं क्यों मुझे मंदिर की इस फिजा में घुटनसी महसूस हो रही है संपूर्णी ने गर्दन हिला दी और दोनों उठकर बाहर निकल गईं बाहर का माहौल भी बहुत अच्छा था ठंडी हवा चल रही थी जो लोग मंदिर में पूजा के लिए दूर दूर से आते थे उन्होंने जगह जगह अपने डेरे जमाए हुए थे कहीं कहीं आग रोशन थी खाना वगैरह पक रहा था हर शख्स अपनी अपनी मसरूफियात में था यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा थी रत्ना ने कहा अंदर की निस्बत का माहौल ज्यादा पुरसकून है हां ऐसा ही लग रहा है संपूर्णी बोली आप क्या करें रत्ना ने पूछा कुछ नहीं आओ जब यहां रुके हैं तो थोड़ा सा और तमाशा देखें संपूर्णी बोली वैसे हमने जो कुछ देख लिया है वो काफी है अगर तुम्हारा दिल यहां से जाने के लिए चाह रहा है तो तुम जाओ अभी वो ये बातें ही कर रही थी कि अचानक ही कुछ शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी उन्होंने घूमकर देखा एक नौजवान भागा हुआ आ रहा था और उसके पीछे तीन चार आदमी आ रहे थे वो लड़का उनके करीब से गुजरा तो संपूर्णी ने उसे गौर से देखा इंतहाई हसीन नकूश का मालिक एक 24-25 साल नौजवान था जिसका चेहरा बुरी तरह धूल से अटा हुआ था कपड़े फटे हुए थे लेकिन चेहरे से यह मालूम होता था कि वो किसी मामूली शख्सियत का मालिक नहीं है जो लोग उसके पीछे आ रहे थे वो भी अच्छे खासे लिबास पहने हुए थे संपूर्णी आस्था से बोली ये क्या किस्सा है पता नहीं तुमने इस लड़के को देखा हां भगवान की सौगंध कितना सुंदर है कितनी मासूमियत है इसके चेहरे पर मैंने इतने गौर से नहीं देखा था रत्ना ने कहा संपूर्णी कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई थी थोड़ी देर में उन चारों अफराद ने जो उस लड़के के पीछे भाग रहे थे आगे बढ़कर लड़के को दबोच लिया संपूर्णी ने गुस्से से कहा अगर इन लोगों ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं उन्हें जान से मार दूंगी ये कहकर वो आगे बढ़ी रत्ना ने ताज्जुब से पूछा अरे संपूर्णी तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है संपूर्णी ने अजीब सी निगाहों से रत्ना को देखा और फिर बोली रिश्ते होते नहीं बन जाते हैं मतलब रत्ना हैरत से बोली अभी कोई मतलब नहीं है तुम आओ तो सही इतनी देर में वो चारों अफराद नौजवान को लिए हुए वापस पलटे लेकिन उनका अंदाज कुछ अजीब सा था वो बड़ी आजजी से कह रहे थे दर्शना महाराज संभालिए खुद को लड़का कुछ नहीं कह रहा था संपूर्ण ने रत्ना को इशारा किया फिर दोनों आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल पड़ी वो चारों अफराद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ अफराद ने एक बड़ा सा खेमा लगाया हुआ था कई छोटे छोटे, छोटे खेमे उसके आस लगे हुए थे बड़े खेमे के पास कई अफराद खड़े हुए थे जिनमें एक बड़ी बड़ी मुंशो वाला शख्स भी था जो बहुत ही कीमती लिबास पहने हुए था उसकी आंखों से आंसू आरोप थे और वो फटी फटी आंखों से उन्हें देख रहा था जब लड़का करीब पहुंचा तो उसने आगे बढ़ते हुए कहा दर्शना क्यों हमारा जीवन ले रहा है पापी होश में आ जा तुझे भगवान का वास्ता होश में आ जा ये कहकर वो जारो की तार रोने लगा उसी वक्त खेमे से दो तीन औरतें निकल आईं और बुरी तरह रोती हुई उस शख्स से बोली राधे श्याम संभालो खुद को क्या कर रहे हो अपने आप को संभालो एक उम्र सीधा औरत, जारो की तार रोती हुई उस मुंछो वाले आदमी के पास पहुंची और उसका सर सीने से लगाते हुए बोली बेटा भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा खुद को संभाल बेटा अगर तुमने ही हिम्मत छोड़ दी तो हम लोगों का क्या बनेगा मौसी जी क्या करूं दिल फटा जा रहा है यह मेरा दर्शना है देखो तो सही इसका हाल क्या हो रहा है कितने दूर बैठा हुआ है कपड़े फाड़ लिए हैं इसने कैसे देखूंगा मैं ये सब बेटा भगवान से मायूस नहीं होना चाहिए मान तो सही मेरी बात संभाल खुद को ठीक है चलो दर्शना अंदर चलो उम्र सीधा औरत ने लड़के से कहा लड़का खामोशी से अंदर खेमे में चला गया ये सारी बातें रत्ना और संपूर्णी ने सुनी थीं। दोनों के चेहरों पर फिकर के आसार फैल गए थे खैमों के आसपास खासी गड़बड़ हो रही थी लेकिन वो क्या करती अंदर तो जान ही सकती थी दोनों वहां से आगे बढ़कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई संपूर्णी के चेहरे पर अजीब से नजर आ रहे थे रत्ना ने कहा संपूर्णी क्या बात है उससे तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं है फिर भी तुम उसके लिए इतनी परेशान हो संपूर्णी ने निगाहें उठाकर रत्ना को देखा और बोली तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे सुबह तक उसे उठाकर ले आओगी और मेरे हवाले कर दोगी संपूर्णी ने हंसते हुए कहा नहीं मगर ये कि मैं कोशिश तो करूंगी कि उनके दरमियान शामिल हो जाऊं उनसे मालूम हासिल करूं तू अपना काम कर मैं तुझसे कह चुकी हूं कि इस सिलसिले में जो कुछ भी करना है तुझे ही करना है और मुझे तुम पर भरोसा करना होगा तो फिर ठीक है इस वक्त से मैं और तू अलग अलग संपूर्णी हंसने लगी फिर बोली पगली मैं तुझसे अलग कब रहती हूँ लेकिन मैं तुझसे अलग हो जाऊंगी तू चिंता मत कर दूसरी सुबह जब रत्ना उस जगह से सोकर उठी जहां रात भर दोनों ने अपने क्याम के लिए जगह बनाई थी तो उसने देखा कि संपूर्णी गायब है रात के वाक्यात तेज रफ्तारी से उसके जहन में आए और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई उसने गहरे अंदाज में सोचा कि वाकई माजी में संपूर्णी इंसान ही थी ये अलग बात है कि बहुत से जाप करने के बाद उसे ये कुवतें हासिल हो गई थी कि वो खुद किसी के कब्जे में आ जाए ये सब कुछ बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज था उसने खेमों की जानब देखा उधर भी खामोशी तारी थी गालिबन ये लोग रात भर जागने के बाद सो गए थे रत्ना ने इंतजार किया फिर थोड़ी देर के बाद उसने मुंह हाथ धोया भाजी पूरी लेकर खाई संपूर्णी का तो पता नहीं था और इतना जानती थी कि संपूर्णी अब उसके पास मौजूद नहीं है क्योंकि उसने खुद उससे ये बात कही थी जब खैमों में जिंदगी दौड़ गई और सब जाग गए तो रत्ना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर खैमों के पास पहुंच गई एक तरफ एक मूंछों वाला शख्स गमगीन और उदास बैठा हुआ था रत्ना उसके पास पहुंची और उसने दोनों हाथ जोड़कर मूंछों वाले को नमस्ते किया मूंछों वाला चौंक कर रत्ना को देखने लगा फिर उसने कहा नमस्ते बेटा कौन है तू चाचा जी बस क्या बताऊं दुखों की मारी हूं आपके पास आई हूं कुछ पूछना चाहती हूं आपसे दुखों की मारी है मुझसे कुछ पूछना चाहती है अच्छा बैठ मेरे सामने क्या बात है तू मेरी बेटी के बराबर है मैं तुझे बिटिया ही कहूंगा नाम क्या है तेरा चाचा जी मेरा नाम रत्ना है क्या बात है रत्ना बेटी क्या पूछना चाहती है चाचा जी रात को मैंने आप लोगों को देखा था आप बड़े परेशान थे हाँ बेटा हम लोग बहुत परेशान हैं। चाचा जी इस परेशानी की वजह जानना चाहती हूँ क्यों बस चाचा जी मेरे मन में एक कुरीत सी पैदा हो गई थी मगर तू है कौन तेरे साथ और कौन है अकेली हूँ चाचा जी कोई नहीं है मेरा इस संसार में बस ऐसे ही मंदिरों में जीवन गुजार रही हूं किसी मंदिर की दासी है नहीं चाचा जी लेकिन ये समझ लीजिए कि एक भिकारन हूं मगर किसी से पैसे नहीं मांगती भगवान के चरणों की भिकारन हूं रत्ना ने कहा बड़ी मूंछों वाला शख्स उसे गौर से देखता रहा उसकी आंखों में मोहब्बत के आसार थे उसने रत्ना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा नहीं बेटा तू जवान है किसी न किसी माता पिता की बेटी तो होगी ही मैं चाहता हूं कि तू इस तरह दरबदर ना भटकती फिरे चाचा जी छोड़िए इन बातों को मैं तो आपका दुख पूछने के लिए आई थी नहीं बेटा मेरा दुख तो खैर बहुत ही बड़ा है क्या बताऊं तुझे मगर तेरा दुख भी छोटा नहीं है एक जवान लड़की संसार में ठोकरें खाती फिरे पता नहीं कहाँ और किसके हाथों से नुकसान पहुंच जाए अगर तू मुझे चाचा जी कहती है तो फिर मेरी बात मान ले क्या चाचा जी यही कि अब तुझे मेरे साथ रहना होगा अजीब सी बात है चाचा जी मैं तो ऐसे ही आपके पास आ गई थी लेकिन आप बहुत ही बड़े इंसान हैं अगर आप ये हुक्म दें तो ठीक है मैं ये हुक्म मान लूंगी मेरे मन में जो कुछ है कम अज कम उसकी तसल्ली तो आप कर दीजिए बड़ी मूंछ वाले आदमी के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट फैल गई फिर उसने कहा बेटा अगर मैं तुझे बता भी दूं तो तू कर भी क्या सकती है ये बात ना कहें चाचा जी कभी कभी पांव के नीचे दबी हुई चूंटी भी काम आ जाती है तूने अपना नाम रत्ना बताया है ना हाँ, मेरा नाम राधे श्याम है मैं यहाँ किसी खास काम से आया हूं मेरे बेटे का नाम सुंदर लाल है बहुत बड़ा कारोबार करता है वो दर्शना मेरा पोता है तू ये समझ ले कि मेरे घर का चिराग मेरा जीवन मेरी जिंदगी है मैं अपने आप को इंसान नहीं जानवर समझता हूँ संसार के सारे सुख मैं दर्शना के कदमों में डालने को तैयार हूं मगर मेरा प्यारा पोता बड़ी मुश्किल में पड़ गया है एक ऐसी मुश्किल में जिसके बारे में बस क्या बताऊं चाचा जी आप तो बहुत बड़े आदमी हैं माफी चाहती हूं मैंने आपको चाचा जी कहकर मुखातिब किया भला मैं रास्ते की धूल आपकी बराबरी कैसे कर सकती हूं इतने बड़े आदमी को चाचा कैसे कह सकती हूं जूते मार रही है मेरे मुंह पर अरे बाउली बड़ा कौन होता है काहे की बड़ाई देख ले मेरी बड़ाई अपने दिल के टुकड़े को लिए लिए फिरता हूं वो चीथड़ों में लिपटा चेहरे पर धूल सजाए भागता फिर रहा है और उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता जबकि मैंने उससे कहा था कि अगर उसके पाँव के नाखून में भी चोट लगे तो मैं संसार के सारे डॉक्टर लाकर उसके चरणों में रख दूंगा पता नहीं भगवान को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई बेटिया ये हमारी परेशानी है मगर चाचा जी हुआ क्या है दर्शना को कितना बड़ा है वो चौबीस साल का है पच्चीसवें में लगा है और पच्चीसवां साल ही उसके लिए मुसीबत बन गया है हुआ क्या था चाचा जी बताएं तो राधे शाम के होंटों पर मुस्कुराहट फैल गई फिर वो बोला पहले मेरी एक बात का जवाब दे जी चाचा जी मेरे साथ रहेगी ना जी चाचा जी मैं क्या मैं चाचा जी मेरा मतलब है कि आपके घर के लोग क्या कहेंगे अरे पागल मैं अपने घर का मालिक हूं ये सब मेरे नीचे के लोग हैं किसी की क्या मजाल कि कोई कुछ कह सके और फिर मेरी और तेरी उम्र का इतना फर्क है कि तुझे मेरी बेटी या पोती तो कहा जा सकता है कोई बुरी बात नहीं सोची जा सकती क्यों ऐसी बात सोची है तूने चाचा जी कहीं ऐसा ना हो कि कल आपको अपना प्यार समेट कर मुझे अपने घर से निकालना पड़े नहीं बिटिया ऐसा कभी नहीं होगा बोल अब वादा करती है जैसा आपका हुक्म चाचा जी तो फिर ठीक है पहले तू अपना हुलिया बदल खा पी मैं तुझे बाद में बताऊंगा कि किस्सा क्या है चाचा जी बस अब चाचा जी चाचा जी मत करो ये मैं कह रहा हूं और फिर राधे श्याम जी ने लोगों को आवाजें देना शुरू कर दी उन्हीं में राधे श्याम जी की धर्मपत्नी भी थीं और उस लड़के की माँ भी जो बहुत गमजदा नजर आती थीं। दूसरे बहुत से मुलाजिम और बहुत से लोग राधे श्याम वाकई एक दौलतमंद आदमी थे उन्होंने सबको जमा किया और कहा देखो भाई भगवान ने हमें एक और बेटी दे दी है बेटी की आरजू थी ना हम सब लोगों को कौन है ये रत्ना है इसका नाम मगर है कौन ये ये सवाल तुम में से आइंदा कोई नहीं कहेगा इतना कह देना काफी है कि ये मेरी बेटी है अरे तो ठीक है ना कौन इनकार करता है इससे आ बेटी अंदर आ जा। बाहर क्यों बैठी हुई है वो श्याम जी तो बस ऐसे ही हैं ये गालबन श्याम जी की धर्म पत्नी थी उन्होंने बड़े प्यार से रत्ना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए कहा मुंह हाथ धो ले मैं तुझे नई साड़ी देती हूं पहन लेना इसके बाद मैं खुद तुझसे पूछूंगी कि तू कौन है रत्ना के होंटों पर मुस्कुराहट फैल गई नई साड़ी पहनकर वो वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही थी वैसे तो वो बहुत खूबसूरत थी जो देखता दिल पकड़ कर रह जाता लेकिन जब बनाव सिंगार करती तो देखने वाले देखते ही रह जाते थे सब रत्ना की तारीफें करने लगे फिर राधे श्याम जी की धर्मपत्नी ने पूछा बेटी मगर तू है कौन बताएगी इतनी देर में राधे श्याम जी अंदर दाखिल हो गए उन्होंने गुस्से से कहा देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कोई इससे इसके बारे में नहीं पूछेगा और रत्ना बेटिया अगर तूने इन्हें अपने बारे में बताया तो तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा और मैं तुझसे बात नहीं करूंगा ठीक है ठीक है ये राधे श्याम जी ऐसे ही आदमी हैं। तू जो कोई भी है बिटिया बस राधे श्याम जी ने तुझे अपनी बेटी बनाया तू हमारी बेटी भी है अच्छा ये तो बता दो कम से कम कि ये रहेगी कहाँ तो बेटियां कहाँ रहती हैं माता पिता के साथ राधे श्याम जी ने कहा रत्ना की निगाहें उस लड़के को तलाश कर रही थी जिसका नाम दर्शना था पूरा नाम पता नहीं क्या था लेकिन उस वक्त वो यहां नजर नहीं आ रहा था रत्ना खामोश हो गई कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहती थी कि किसी को शक हो जाए वैसे इसमें कोई शक नहीं कि उन लोगों ने उसे इतनी मोहब्बत दी थी कि रत्ना शर्मिंदा हो गई थी वो सोच रही थी कि कहीं उसके हाथों इन लोगों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए लेकिन जब उसने इस बात पर गौर किया कि संपूर्णी तो दर्शना से मोहब्बत करने लगी है और यकीनन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो वो मुतमइन हो गई वरना दूसरी सूरत में उसका दिल जरूर दुखता फिर रात को वो खामोशी से अपने खेमे से बाहर निकल आई उन लोगों ने उसे एक छोटा सा खेमा अलग दिया था और उससे कहा था कि वो आराम से सो जाए उसे कोई तकलीफ नहीं होगी रत्ना ने कहा था चाचा जी मैं दर बदर मारी मारी फिर रही थी बस भगवान की दया है मुझ पर कि अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा वो संपूर्णी की तलाश में निकली थी कि संपूर्णी को सूरत हाल बताए थोड़ी दूर पहुंची थी कि अकब से उसे आवाज आई मैं जानती हूं कि तू मुझे तलाश कर रही है रत्ना ने पलट कर देखा तो संपूर्णी मौजूद थी रत्ना मुस्कुराकर बोली तू बड़ी बेचैन होगी मुझसे मिलने के लिए तो और क्या नहीं होती वैसे भी तुझसे मिलना बहुत जरूरी है क्यों बस ऐसे ही एक काम था मुझे और इस काम से मैं छह दिन के लिए जाना चाहती हूँ तुझे बताना जरूरी था अरे तुझे भी कोई काम होता है रत्ना ने ताजुब से पूछा जानती है इस समय मेरे दिल को लगी हुई है मैं कहीं ना जाती मगर मैं क्या करूं कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें राज रखना मेरे लिए बेहद जरूरी है मेरा दिल अगर चाहे भी तो मैं तुझे वो राज नहीं बता सकती समझ रही हो मेरी बात बस ये समझ लो बहुत ही अहम काम है क्या कहूं तुझे और क्या बताऊं नहीं अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं लेकिन मुझे बता कि मैं इस सिलसिले में क्या करूं देख तुझे तलाश करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा पहली बात तो ये है कि मैं तुझे यही तलाश कर लूंगी और अगर इतफाक से तू मुझे ना मिली तो तुझ तक पहुंचना मेरे लिए कोई मुश्किल बात ना होगी मैं तुझे तलाश करके तेरे पास पहुंच जाऊंगी अच्छा खैर ठीक है तू मेरी बात सुन तुझे ये बात तो पता होगी कि मैं उन लोगों के बीच दाखिल हो गई हूँ अच्छी तरह पता है और ये तेरी अक्लमंदी है कि तूने सही जगह हाथ मारा ये बता अभी कुछ पता चल सका है या नहीं थोड़ी सी बातें पता चली हैं एक अजनबी को एकदम तो सारी बातें नहीं बताई जा सकती थोड़ी सी बातें क्या हैं? संपूर्णी ने पूछा रत्ना सोच में डूब गई फिर इसके बाद उसने कहा उसका नाम दर्शना है दर्शना के बारे में सुना गया है कि कुछ अरसा पहले बिल्कुल ठीक ठाक था अब न जाने क्या हो गया है उसे वो लोग उसे यात्रा के लिए लाए थे देखो क्या होता है खैर ये तो बाद में पता चल जाएगा बहरहाल अब मैं चलती हूं सात दिन के बाद फिर तुमसे मिलूंगी और फिर तुमसे दर्शना के बारे में पूछूंगी हाँ ठीक है ऐसा ही करना रत्ना ने जवाब दिया और संपूर्णी वहां से चली गई रत्ना वहां अपना एक मुकाम बनाने में कामयाब हो गई थी सब लोग रत्ना से मोहब्बत का इजहार करते थे आखिरकार रत्ना को सूरतहाल जाने का मौका मिल गया शांति देवी जो रत्ना की दादी थी रत्ना से बहुत ज्यादा मुहब्बत करने लगी थी उन्होंने रत्ना को बताया बिल्कुल ठीक था मेरा दर्शना एक बार दोस्तों के साथ किसी ऐसी जगह चला गया जहां वेराना था और उस वेराना में कोई चुड़ैल उसके पीछे लग गई बस उसी वक्त से उसका दिमागी तोजुन ठीक नहीं है और वो ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करता रहता है वो इतना अच्छा लड़का था कि मैं तुझे बता नहीं सकती रत्ना देखो भगवान की क्या मर्जी है कैसे ठीक होता है गर्ज यह कि उन लोगों ने रत्ना के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और रत्ना उनकी एहसानमंद हो गई फिर उसके दिल में बार बार ये ख्याल आया था कि वो नौजवान जिसे संपूर्णी ने पसंद कर लिया था ठीक हो जाए वैसे ये बात वो जानती थी कि संपूर्णी बेकार और बेमकसद नहीं गई है यकीनी तौर पर वो अब ऐसा चक्कर चलाएगी जिससे दर्शना ठीक हो जाए रत्ना के होंटों पर मुस्कुराहट आ गई उसने सोचा कि औरत किसी भी शक्ल में हो किसी न किसी मर्द से मुतासिर जरूर हो जाती है संपूर्णी जैसी जादूगरनी आखिरकार किसी की नजर की घायल हो गई थी और अब उसके लिए चक्कर चला रही थी होलनाक और पुरिसरार कहानी डाइन जारी है वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज